जाते हैं तो लगभग 4 से 5 हजार रुपए जो है आपको लग जाते हैं डॉक्टर के पास। अगर घर में 5 सदस्य हैं, भगवान न करे कोई बीमार हो, 1 या 2 सदस्य जो है बीमार हो जाते हैं, तो आपके मान के चलिए 10 से 12 हजार रुपए आपका खर्च लग जाता है। वो 12 हजार में क्या बन जाता है, शौचालय बन जाता है। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके घर में आज की डेट में जो है मोबाइल ना हो। हम मोबाइल को जो है लगभग 200 से 300 रुपए जो है प्रति माह जो है वापरते हैं। इस सब स्थितियों में देखते हुए हम प्रयास ये करें कि पहले शौचालय बना लें, अच्छा शौचालय बनाएं, उसके बाद में शासन के पास में आप आते हो तो आपको 12 हजार रुपए का लाभ अभी भी प्रदान करने का जो है नियम है। ये बस है कि आपको पूर्व में शौचालय से संबंधित लाभ ना प्राप्त हुआ। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गांव में और भी गतिविधियां चल रही हैं। गांव को शहरों की तर्ज पर जोड़ने की कुछ व्यवस्थाएं सामने आई हैं, जिसको SLWM ठोस एवं तरल का जो वेस्ट है उसका प्रबंधन करने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अंदर गांव गांव नाडेप बनाने की व्यवस्था की जा रही है। नाडेप बन रहे हैं जिनको पहले अपन गुवार कहते थे, वो बन चुके हैं, कई ग्राम पंचायतों में बने हुए हैं। मगर समस्या ये आती है कि जहां गुबार लगती थी वही नाडेप बना हुआ है, फिर भी हम नाडेप में कचरा नहीं डालते। जब कचरा नहीं डालते तो हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि जो नाडेप बने हुए हैं उन्हीं में हम कचरा डालें।